लेकिन मौलाए कायनात है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आइए मैं आपको बताता चलूं, सरकारे सैयदना हजरत इमाम आजम आला हजरत फरमाते हैं 30 साल तक कामिल हर रात में एक रकात में एक कुरान खत्म कर दिया करते थे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मिजान शरीयत के अंदर इमाम अब्दुल वहाब शारानी फरमाते हैं, हजरत अली मर्तजी के बारे में फरमाते हैं एक दिन रात में 3,60,000 कदम फरमाते थे और उसी के 3-4 सदर नीचे ये बात मौजूद है। उसी फतावा रदविया के अंदर हजरत गिरामी आला हजरत फरमाते हैं कि मौलाए कायनात शेरे खुदा अपना पाया पाव मैदान में डालते थे और दाहिना पाव पहुंचते पहुंचते एक कुरान खत्म हो जाया करता था, एक कुरान खत्म हो जाया करता था। ये मौलाए अली मौलाए कायनात शेरे खुदा करम अल्लाह तआला वजहुल करीम का इल्म है, तो इसको एक तालीमी नबुव्वत कहा जाता है। अब उससे बड़े आलिम इनसे बड़े आलिम सरकार सैयदना उमर फारूक आजम है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हजरत इल्म का 10 हिस्सा किया गया है, 9 हिस्सा उमर फारूक आजम को दिया गया है, 1 हिस्सा और सब लोगों को दिया गया है। आपसे बड़ा सरकार सैयदना हजरत अबू सर हजरत सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी तआला अन्हु आपसे बहुत बड़े आलिम है। वकाना अबू बकर आलमना हजरत अबू बकर सहाबा में सबसे ज्यादा जानकार थे, सबसे बड़े आलिम थे। तो पता चला मुसलमानों हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से बड़े आलिम सरकार मौलाए कायनात है, वो मौलाए कायनात से बड़े आलिम सरकार सैयदना उमर फारूक आजम है, और आपसे बड़े आलिम सरकार सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु है। हजरत मेरी बात ध्यान से समाप्त करना, ये बुखारी शरीफ है हजरत अबू हुरैरा से हदीस की रवायत है, अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हजरत अबू हुरैरा इरशाद फरमाते हैं ए मुसलमानों कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हम बैठे हुए थे, उसके बाद में कौन जिलत अलैह सूरतुल जुमा और सूरत जुमा की आयत नाजिल होने लगी, सूरत नाजिल होने लगी। हजरत लोग कौन सी सूरत नाजिल हुई, वाखरीन मिनहुम लम्मा यलहकु बिहिम वहुवल अजीजुल हकीम। हजरत आखिरी जमाने में कुछ लोग हैं जो अभी बाकी हैं उनसे मुलाकात करनी है। हजरत इरामी आला हजरत फरमाते हैं और उनमें औरों को पाक करते हैं और इल्म अता फरमाते हैं जो उनसे मुलाकात नहीं करते। ये आला हजरत का तर्जमा है, लेकिन आए मुसलमानों कुछ लोग आ गए हैं और कुछ लोग बाकी हैं। जैसे आम मिसाल समझते चले जाइए, सिद्दीक अकबर आ चुके, फारूक आजम आ चुके, उस्मान गनी आ चुके, मौलाए कायनात आ चुके, बिलाल हबशी आ चुके, तुफैल फौसी आ चुके, सलमान फारसी आ चुके, उबैदा बिन जर्राह आ चुके। हजरत ये सब लोग आ चुके, जैद बिन साबित आ चुके, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद आ चुके, और अभी कुछ लोग बाकी हैं। वो बाकी लोग में कौन कौन है, हम्माद नहीं आए, इब्राहिम नफई नहीं आए, अल-अमान नहीं आए, इमाम आजम नहीं आए। इमाम आजम बाकी है, इमाम शाफई बाकी है, इमाम अहमद इब्ने हंबल बाकी है, इमाम मालिक बाकी है, इमाम सफर बाकी है। हजरत और लोग बाकी है, इमाम बुखारी बाकी है, इमाम मुस्लिम बाकी है, इमाम तिर्मिजी बाकी है, इमाम नसाई बाकी है, इमाम इब्ने माजा बाकी है, इमाम दाऊद बाकी है, इमाम तबरानी बाकी है, इमाम तहावी बाकी है, सारे मुहद्दिसीन बाकी है, अभी बुजुर्गाने दीन बाकी है, गौसे समदानी बाकी है, कुत्ते रब्बानी बाकी है, शहबाजे लामतानी बाकी है, बंदीले यूनानी बाकी है, तोहफहुल फुकहा बाकी है, सफीरतुल औलिया बाकी है, अभी सब लोग बाकी है, ख्वाजा साहब बाकी है, सैयद सोलह मसूद गाजी बाकी है, बरेली के इमाम अहमद रजा बाकी है, ताजु शरिया बाकी है, मुफ्ती आजम बाकी है, शेरे पे शेर सुनानिया बाकी है। हजरत अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुछ लोग आ चुके और कुछ लोग बाकी है जिनसे अभी मुलाकात करनी है। हजरत गिरामी फरमाते हैं वो फीना सलमान फारसी और हमारे दरमियान में सलमान फारसी बैठे हुए थे। अल्लाह के नबी ने अपने दस्ते मुनव्वर को अपने दस्ते नबुव्वत को सलमान फारसी के ऊपर रखा और मेरे आका ने फरमाया लव कान अल इल्म बिसुरैया लतला वलो हो जालो मिन अबनाए फारस, अगर ये इल्म सुरैया पर पहुंच जाए तो फारस के मर्दों में से एक ऐसा मर्द है जो उसे वो हासिल कर लेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इससे मुराद नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इससे मुराद सरकार सैयदना इमाम आजम है और इमाम आजम का खतरा ताल्लुक सिलसिले नसब जरा सुनिए, हजरत सलमान फारसी से कंधार शरीफ अफगान की तरफ जा करके मिलता है और बरेली के इमाम अहमद रजा का भी सिलसिले नसब कंधार
پھیلا دیا، پوری دنیا کے ایمان کو بچا لیا، سنیوں کے ایمان کو بچا لیا۔ آج یہ بڑے بڑے لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، اعلی حضرت کی برائی بیان کرتے ہیں، مفتی اعظم کی برائی بیان کرتے ہیں، شیر فیصل سنت کی برائی بیان کرتے ہیں، مفتی اعظم کی برائی بیان کرتے ہیں، تاج الشریعہ کی برائی بیان کرتے ہیں، لیکن سنو مسلمانوں، جس نے ایمان کو بچایا ہے وہ بریلوی کے امام احمد رضا ہے، جس نے ایمان کو بچایا ہے حضرات وہ مفتی اعظم ہند ہے، وہ تاج الشریعہ ہے حضرات، وہ حبیب مشاہد ملت ہے۔ پتا چلا مسلمانوں حضرات وہ بریلوی کے امام احمد رضا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں مسلمانوں، امام احمد رضا کس بہت بڑی شخصیت کا نام ہے۔ آئیے ہم دو شعر پڑھتے ہیں مسلمانوں، حضرات نبی کی نام ہم بھی پڑھتے ہیں، نبی کی نام مولانا ارشاد بھی پڑھتے ہیں، یہ نظامت سے بہت ماہر ہے، نبی کی نام یہ ہمارے علماء بھی پڑھتے ہیں اور آپ بھی نبی کی نام پڑھتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سر تابا قدم شان ہے یہ، زور سے بولو زور سے بولو، اللہ کی سر تابا قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے نبی جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ حضرات گرامی ایک بات بتاؤ، ہم نے یہ یہ کا لفظ استعمال کیا اور یہ کا صیغہ کیسے ہے؟ قریب کے لیے ہوتا ہے، وہ دور کے لیے ہوتا ہے، اس قریب کے لیے بولا جاتا ہے، اس دور کے لیے بولا جاتا ہے، ادھر قریب کے لیے بولا جاتا ہے، ادھر دور کے لیے بولا جاتا ہے،